हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टील लर्निंग। जैसे कि आप सभी जानते हो, एसएससी एमटीएस द्वारा इसके एग्जाम चल रहे हैं और जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि मैंने कराए थे एसएससी एमटीएस द्वारा इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो कराए थे आपको। आपको अगर वो सारी लिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं stillearning.in। वहाँ पर आपको उसकी सारी PDF मिल जाएंगी, सारी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। टोटल 30 पार्ट करा रखे हैं मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट जीके, उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। तो आपको अगर पढ़ना है तो हमारी वेबसाइट पर जाइए stillearning.in। वहाँ पर आपको एक पोस्ट मिलेगी एसएससी एमटीएस 2019 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के नाम से, उस पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर 30 पार्ट के आपको PDF मिल जाएंगे, 30 पार्ट के वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और आपको वहां से मिल सकता है। और आप अगर RRB NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी आपको वहां पर अप्रोक्स 10 पार्ट मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पर stillearning.in पर। और आपको करंट अफेयर चाहिए अगर जनवरी से लेकर और जून तक की, उनमें काफ़ी जो भी करंट अफेयर आ रही है जनवरी से जून तक ही आनी है एग्जाम में, तो काफ़ी उसको आप पढ़ सकते हैं। आप जाके कभी उन्होंने उसके 5 पार्ट डाले हुए हैं, अप्रोक्स 100 क्वेश्चन के आसपास हैं, तो वो भी आपको हमारी वेबसाइट stillearning.in पर मिल जाएंगे। तो आपको बता दें कि आपको अगर PDF चाहिए, जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, आप अगर हमारी वेबसाइट पर नहीं जा सकते तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम का, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों हेडक्वार्टर्स की। तो जैसे कि आप सब जानते हो, हेडक्वार्टर का एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो आप इसको भी याद कर लीजिए। जितने भी हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो मेरे को जितने इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट्स लगे वो मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहला क्वेश्चन क्या है। IMF की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होती है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिए, फुल फॉर्म एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। तो IMF की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होती है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? Washington DC USA में। कहाँ पर? Washington DC USA में IMF का हेडक्वार्टर। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये भी Washington DC USA में ही है। तो दोनों का हेडक्वार्टर सेम ही है, Washington DC USA में है दोनों का, वर्ल्ड बैंक का भी और IMF का भी। नेक्स्ट है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नाटो हेडक्वार्टर कहाँ पर है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ पर? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में, सबको पता ही होगा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या होती है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होती है। तो इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लें और हेडक्वार्टर भी याद कर लें। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो फुल फॉर्म क्या होती है एशियन की? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता इंडोनेशिया में। कहाँ पर? जकार्ता इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जनेवा में, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? जनेवा स्विट्जरलैंड में है। कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये लंदन में है। कहाँ पर? लंदन में है कॉमनवेल्थ का। ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। यूनिसेफ, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, MTS में कई बार पूछा चुका है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में। कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वेनिया ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर? वेनिया ऑस्ट्रिया में। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? जनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पर है? ये है रोम इटली में। कहाँ पर? रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है OECD की? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म ये होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस फ्रांस में। कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने सबके सारे आपको करा दिए, इनमें सोचता है एक नए क्वेश्चन जो आ जाए एग्जाम में, तो आप इसको पढ़ लीजिए, वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। और आप अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, हमारी जो आने वाली वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहती है, क्योंकि मैं अक्सर ऐसी वीडियो डालते रहता हूँ जो कि एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको अगर तैयारी कर रहे हैं SSC MTS की, तो उसकी PDF आपको हमारी वेबसाइट stillearning.in पर मिल जाएंगी। अगर आप RRB की तैयारी, RRB NTPC उदाहरण इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी वीडियोज़ भी आपको stillearning.in वेबसाइट पर मिल जाएंगी। और आप वहाँ नहीं जा सकते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारा टेलीग्राम ग्रुप का, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सारी PDF मैं आपको शेयर करते रहता हूँ। दोस्तों देखते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।